सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में मुंबई पुलिस को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। मुंबई पुलिस पर सुशांत की मौत मामले में लापरवाही बरतने के आरोप लगे। महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ मुंबई पुलिस ने भी हर मुमकिन कोशिश की कि सुशांत की मौत का मामला सीबीआई के हाथों में ना जाए, और उसके बाद जब कंगना ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर निशाना साधा तो महाराष्ट्र सरकार कंगना पर पलटवार करने लगी, और उसके बाद अब मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल ने कंगना के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच शुरू कर दी है। कंगना से पूछताछ के लिए संभव है कि एक समन सोमवार को भेजा जा सकता है। सरकार के गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कंगना के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। एक्ट्रेस के पूर्व बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन ने उन पर ड्रग्स लेने के आरोप लगाए थे। वहीं कंगना ने खुद पर बैठाई जा रही जांच का संदेश पाने के बाद महाराष्ट्र सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया। सोमनाथ मंदिर की फोटो शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, सोमनाथ को कितने दरिंदों ने कितनी बार बेरहमी से उजाड़ा, मगर इतिहास गवाह है क्रूरता और अन्याय कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आखिर में जीत भक्ति की ही होती है। हर हर महादेव। मुंबई पुलिस को इस सिलसिले में राज्य के गृह विभाग से एक पत्र मिला है। अपराध शाखा इस मामले की जांच करेगी। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि अभिनेता शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने एक साक्षात्कार में आरोप लगाए थे, कुछ साल पहले कंगना और अध्ययन के बीच संबंधों की खबरें थी। मामले में अधिकारियों का कहना है कि शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने गृह विभाग को पत्र सौंपकर अध्ययन के साक्षात्कार में लगाए आरोप का जिक्र किया था। इसी पत्र का संज्ञान लेते हुए विभाग ने पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। बुधवार को कंगना मंडी से मुंबई पहुंची हैं और उनके मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी ने कंगना का ऑफिस तोड़ डाला, जिसके बाद से कंगना और शिवसेना के बीच की तकरार और तेज हो गई। बीएमसी की कार्रवाई पर कंगना ने कहा था, मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से कर गलती नहीं की थी। एक वीडियो पोस्ट करते हुए कंगना ने लिखा था, महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, फिर मुंबई में जिस तरह से नेवी के पूर्व अफसर पर शिवसैनिकों ने हमला किया है, उनके साथ मारपीट की, उसको लेकर भी अपनी आवाज मुखर की थी। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विस मैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। रिपब्लिक चैनल को महाराष्ट्र में बंद किया जा रहा है क्योंकि वो सरकार के काम करने के तरीकों को क्वेश्चन करते हैं, जो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत संविधान की वायलेशन है। सेल्फ मेड इंसान जो अर्णव गोस्वामी जी ने ये फ्रॉम अ स्क्रैच खुद बिल्ड किया है, उनकी आवाज को, उनके बिजनेस को, उनके काम को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश और हिम्मत दिखाई जा रही है। मैं यही चाहती हूँ कि सत्ता और राजनीति से परे, यहाँ पे मानव और साधारण मानवीय के हक के चलते केंद्र सरकार इन चीज़ों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। जय हिंद। उससे पहले जब रिया की व्हाट्सएप चैट सामने आई थी और उसकी ड्रग्स कंपनी का खुलासा हुआ था, तो कंगना ने एक और स्टैंड लिया था। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने बॉलीवुड को बुलीवुड कहा था। लिखा कि अगर नारकोटिक्स ब्यूरो बॉलीवुड में आया तो कई ए लिस्टर्स की गर्दन फंसेगी। लिखा था, अगर नारकोटिक्स ब्यूरो बॉलीवुड में एंट्री करता है तो कई ए लिस्टर्स सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्लड टेस्ट किए जाते हैं तो कई हैरान करने वाले खुलासे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि पीएमओ स्वच्छ भारत अभियान के तहत बॉलीवुड नाम के गटर को भी साफ कर देंगे। साथ ही कंगना ने कहा था कि उन्हें बॉलीवुड और ड्रग्स कारोबार के कनेक्शन के बारे में काफी कुछ पता है और वो नारकोटिक्स विभाग की मदद करना चाहती हैं। इससे पहले जब कोरोना को लेकर देश भर में लॉकडाउन था, मार्च महीने में नवरात्र चल रहे थे, तो नवरात्र के पांचवें दिन कंगना ने खुद के ड्रग एडिक्ट होने और उसके बाद अपने जीवन में आए इस तरह के बदलाव को लेकर पूरे 4 मिनट का वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। आप भी देखिए कंगना ने अपनी जिंदगी के इस लंबे सफर में से ड्रग एडिक्शन को खुद से कैसे दूर किया, इसके पीछे कौन सा रास्ता अपनाया। सुनिए बॉलीवुड की झांसी की रानी कंगना रनौत को। नवरात्रि के पांचवें दिन की बहुत शुभकामनाएं। बोर हो गए होंगे ना आप लोग, घर पे उदास भी हो गए होंगे, डिप्रेस्ड भी हो गए होंगे, कई तो रो रहे होंगे। अच्छा है, क्योंकि ये वक्त बुरा नहीं है। बुरे वक्त को कभी बुरा मत समझना। बुरा वक्त एक्चुअली में ओनली अच्छा वक्त होता है। अब आप बोलेंगे मैं तो फिलोसफी जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि मैं एक मामूली सी, बहुत सारे कलाकार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, पर वो लोग
खुश ये नहीं कह सकते कॉन्फिडेंस से कि मैं हाँ मैं खुश हूँ जो मैं हूँ वो बन के वो आज इस मुकाम पे खुश हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ। एंड ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में, किसी भी अवार्ड से, किसी भी पैसे से, किसी भी मुकाम से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं ऐसे कैसे बनी दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊंगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार तुम मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लगता जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। एनीवे, सो उसके बाद हुआ यूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे शख्स आए, मेरे मित्र, जो उस टाइम एक स्ट्रगलिंग फाइट मास्टर थे। तो उन्होंने मुझे योगा मित्रता हुई तो उन्होंने मुझे योगा कराना शुरू किया। एक दिन उन्होंने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद की तो मैं रोना 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 ही ना रुके। तो कहते यार बड़ी अजीब लड़की, आंखें ही नहीं बंद कर सकती तो मेडिटेशन कैसे करेगी। तो उन्होंने मौका मिलते ही मुझे एक बुक दे दी, राजा योगा। तो उस बुक में प्रोसेसेस हैं बहुत सारे बहुत अच्छे, और मैंने विवेकानंद जी को अपना गुरु मान लिया। और उन्हीं के गाइडेंस में मैंने अपने आप को बहुत संवारा, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि यार ये हैं एक्शंस मेरे। मैंने कभी किसी को अपनी स्थिति के लिए कभी किसी को नहीं सोचा कि यार ये इनकी करतूत है। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाई आई कुड वर्क ऑन माई सेल्फ। और अगर वो मुकाम मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो शायद मैं भीड़ में घूम जाती, शायद मैं इतने आगे नहीं आ पाती। जो मैंने अपने विल पावर को डेवलप किया है, अपने इंटेलेक्ट को शार्प किया है, जो मैंने अपने टैलेंट को संवारा है, जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारा, अपनी इमोशनल हेल्थ को रखा हुआ है, जिस तरह से मैंने अपनी फैमिली हेल्थ को रखा हुआ, अपने इन्वायरमेंट को रखा हुआ, ये तो मैं कर ही नहीं पाती। तो ना मुमकिन ही नहीं था मेरे लिए अगर मुझे स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं मिली होती, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिला होता। तो इस मुकाम की बड़ी अहमियत है। और जो प्रोसेस मैंने किया था ब्रह्मचर्य का, मैंने सहारा लिया था 2-2.5 साल। उस टाइम पर मैंने एक फ़िल्म की थी फैशन, और मेरी एक बहुत अच्छी मित्र थी अश्विनी देशमुख, आजकल उनसे बात नहीं होती है, पर वो उस टाइम मुंबई मिरर की जर्नलिस्ट थी। तो उन्होंने देखा यार तुम क्या करती हो, सिर्फ सफ़ेद वस्त्र पहनती हो और उबला हुआ खाना खाती हो। तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने एक बड़ी भलती सी स्टेटमेंट दे लिख दी कि कंगना टर्न सेलिब्रेट। तो ब्रह्मचर्य इज़ नॉट अबाउट सेलिब्रेसी और नॉट जस्ट अबाउट सेलिब्रेसी, ब्रह्मचर्य के बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसेस होते हैं। और उससे जो है आपकी एनर्जी को अगर आपको बिल्कुल अपने हाथों में लेना हो, अगर आपको अपनी लाइफ की जो गाड़ी की ब्रेक है या क्लच है सब अपने हाथ में, व्हील अपने हाथ में लेना है, यू नीड टू डू प्रोसेसेस लाइक दैट। एंड स्पेशली अगर आपके पास ऐसी वॉलेटाइल एनर्जी हो। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस वक्त का फ़ायदा उठाइए, बुरा वक्त ही ओनली अच्छा वक्त। और अब 5वें दिन मेरी और रंगोली की एनर्जी भी थोड़ी लो आती जा रही है, क्या कहती हो रंगू? बहुत लो है आज तो हम इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं बांट सकते। कट।